पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शुरुआत से ही भारत अनुभव और संसाधनों को साझा करने के प्रति संकल्पित रहा। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायक एक साल के लिए सस्पेंड, पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी हुए टीएमसी में शामिल। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत, सीएम अशोक गहलोत बोले केंद्र दे पर्याप्त टीका। एल्गार परिषद केस में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टीन स्वामी का 84 साल की उम्र में निधन। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर लालू यादव ने किया ऐलान, जल्द करेंगे बिहार के सभी जिलों का दौरा। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल, 10 और 11 जुलाई को पूरे बंगाल में करेगी प्रदर्शन। और गुपकार गठबंधन ने कहा, जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि 2050 तक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए सालाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। जून 2021 में सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय से जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की अपील की गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% योगदान करते हैं और कुल वेस्ट का 50% उत्पादन करते हैं। द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2017-18 के डेटा के विश्लेषण का इस्तेमाल कर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर इसे समय रहते ठीक ढंग से नियोजित और प्रबंधित नहीं किया गया तो शहरी उत्सर्जन गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 2050 तक 3 अरब लोगों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाने की उम्मीद है। दुनिया की आधी शहरी जनसंख्या में अफ्रीका और एशिया का बड़ा योगदान हो सकता है। 2017-18 में शहरी जलवायु वित्त में सालाना औसतन $384 बिलियन का निवेश किया गया था। इसमें परियोजना स्तर पर $75 अरब और अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर $308 अरब रहा था। हालांकि ये राशि निवेश की जरूरतों से बहुत कम है, जिसका अनुमान खरबों में है। विस्तृत परियोजना स्तरीय डेटा के अभाव की वजह से विशेष रूप से शहरी परिवहन और भवनों जैसे प्रमुख क्षेत्रों का डेटा नहीं होने की वजह से शहरों के लिए निवेश अंतर को बंद करने में भाग लेने वालों की गहरी समझ को सीमित करता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु वित्त डेटा की कमी की वजह से दक्षिण अफ्रीका में जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन कठिन होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी जलवायु वित्त का सबसे बड़ा हिस्सा चीन और विकसित देशों में निवेश किया गया था। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका समेत कई विकासशील क्षेत्रों में शहरी जलवायु वित्त की अपर्याप्त मात्रा में निवेश किया गया था, जिसमें क्रमशः $4 अरब और $3 अरब का वार्षिक औसत निवेश देखा गया था। अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 2017-18 में $7 अरब का फंड था, जो प्रोजेक्ट लेवल पर ट्रैक किए गए निवेश का 9% है, जबकि शमन और दोहरे इस्तेमाल के लिए फंड 91% या $69 अरब था। 2017-18 में शहरी परिवहन में निवेश कुल शहरी जलवायु फाइनेंस का 53% या अनुमानित $202 अरब था। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एफिशिएंसी ने फाइनेंस के दूसरे उच्चतम स्तर को आकर्षित किया, यानी 2017-18 के लिए अनुमानित $167 अरब, जो कुल शहरी जलवायु का 43% है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से शहरी वित्तीय दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से भविष्य की प्लानिंग धीमी पड़ गई है, इसलिए शहरों की अपनी जलवायु कार्रवाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसके लिए राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की समर्थन की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की एक नई स्टडी सामने आई है। ये स्टडी कहती है कि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उनमें से भी करीब 16% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट से लड़ने वाली एंटीबॉडी नहीं पाई गई है। डेल्टा वेरिएंट यानी जिसे कोविड का वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है,
वहीं जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी है उनमें से तो करीब 58% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कोविड के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है। फिलहाल ये स्टडी कोविशील्ड के इर्द गिर्द ही रखी गई थी और जो नतीजे सामने आए हैं उनके बाद हमें कोविड 19 की तीसरी वेब को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। इस संबंध में डॉक्टर टी जॉन जैकब एक अहम बात कहते हैं। वे वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व हेड हैं। उन्होंने एक अखबार कंपनी से बात करते हुए कहा कि एंटीबॉडी का ना होना और एंटीबॉडी का नजर में ना आना दो अलग बातें हैं। हो सकता है कि एंटीबॉडी हो लेकिन वो इतनी कम हो कि उसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति को गंभीर संक्रमण से बचा सकती है। इस स्टडी से ये भी पता चला है कि भारत में कुछ लोगों को कोविशील्ड के बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उनके लिए एक डोज ही पर्याप्त हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बूस्टर डोज का मतलब भी बता देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम है बूस्ट करना, मतलब जो दिया गया है उसकी ताकत को और बढ़ाना। बूस्टर डोज के पीछे एक और रोचक शारीरिक मैकेनिज्म भी है। जब पहली डोज के बाद बूस्टर डोज दी जाती है तो शरीर ये जान जाता है कि ये वही वैक्सीन है जो पहले दी गई थी। इसके बाद शरीर में वैक्सीन कई गुना तेजी से असर करती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने कोविड 19 की तीसरी वेब को लेकर अहम बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पैनल का कहना है कि अक्टूबर नवंबर में तीसरी वेब अपने पीक पर हो सकती है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से लगातार जारी रखा जाए और लोग सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें तो इसे कुछ महीने के लिए टाला भी जा सकता है। हालांकि पैनल की एक बात राहत भी देती है, वो ये कि तीसरी वेब में डेली केसेस की संख्या दूसरी वेब की तुलना में कम रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों से सर्विस सेक्टर को एक बार फिर बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से डिमांड में बड़ी गिरावट आई है और इसके साथ ही कंपनियों ने फिर से अपने कर्मचारियों की छंटनी भी की है। ये जानकारी एक प्राइवेट सर्वे में पता चली है। IHS मार्केट के मुताबिक भारत का सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने गिरकर 41.2 पर आ गया, जो मई में 46.4 पर था। ये जुलाई 2020 के बाद से सबसे कम रीडिंग है। अगर ये रीडिंग 50 से ज्यादा होती है तो वो विस्तार का संकेत है, जबकि 50 से नीचे की रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन के संकेत देता है। IHS मार्केट में अर्थशास्त्र के एसोसिएट निदेशक पोलिना डी लीमा का कहना है कि भारत में वर्तमान कोविड 19 स्थिति को देखते हुए ये पहले से उम्मीद की जा रही थी कि सेवा क्षेत्र प्रभावित होगा। जून के PMI डेटा नए व्यवसाय, उत्पादन और रोजगार में तेज गिरावट दर्शाते हैं, जो पहले लॉकडाउन में दर्ज की तुलना में तेज लेकिन सॉफ्ट गिरावट है। नतीजतन कंपनियों ने लगातार 7वें महीने तक कर्मचारियों की छंटनी की, जबकि जून महीने में इसमें कमी देखी गई। करीब एक महीने पहले रॉयटर्स द्वारा किए गए एक सर्वे में बताया गया था कि आने वाले साल में नौकरी का संकट और ज्यादा गहरा सकता है। उच्च कच्चे माल और परिवहन लागत पर पिछले महीने इनपुट की कीमतें फिर से बढ़ी। ये दर्शाता है कि आने वाले महीने में महंगाई दर RBI द्वारा अनुमानित 2-6% से ज्यादा रह सकती है। देश में मई महीने में महंगाई दर 6% दर्ज की गई थी, जो अपने 6 महीने उच्चतम स्तर पर रहा था। आंकड़े देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी में गिरावट से कंपोजिट इंडेक्स मई में 48.1 के मुकाबले गिरकर 43.1 पर आ गया है। PMI आउटपुट इंडेक्स से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई 2020 के मुकाबले काफी तेजी से गिरावट आई है। कारखानों के उत्पादन में 11 महीने में पहली बार तेज गति के साथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और साथ ही सर्विस एक्टिविटी भी धीमी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।